महाकवि सोमदेव भट्ट द्वारा रचित बेताल पच्चीसी में विक्रम और बेताल नाम के बड़े प्रमुख किरदार जिन्होंने निभाया था उनका नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी के विक्रम और बेताल के बारे में आज कुछ चर्चा करते हैं। उनका नाम है श्री राजीव चंद्रशेखर और श्री अर्णब गोस्वामी। बड़े चर्चित नाम है। पहले राजीव चंद्रशेखर जी पे थोड़ा फोकस करते हैं। ये एक वरिष्ठ सांसद हैं, शायद तीसरा टर्म शुरू हुआ है अभी उनका। आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा में। राजीव चंद्रशेखर के तीन अवतार हैं। एक तो सांसद राजनीतिज्ञ का अवतार है, एक बिजनेसमैन का अवतार है और एक मीडिया बैरन का अवतार है। और ये तीनों अवतार एक दूसरे की सहायता करते हुए प्रतीत होते हैं। एज अ बिजनेसमैन राजीव चंद्रशेखर परस्यूज सर्टेन बिजनेसेस, एज अ पॉलिटिशियन ही फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ डिफेंस। उनकी बिजनेस में डिफेंस का भी इंटरेस्ट है और राज्यसभा के सांसद की हैसियत से वो जिस स्टैंडिंग कमेटी में है वो डिफेंस की है, वो एक दूसरे को फिर वहां सहायता प्रदान करते हैं। एज अ मीडिया बैरन, अब वो क्या करते हैं, मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं, बड़ा मीडिया एम्पायर है इनका। उस मीडिया एम्पायर के माध्यम से वो अपनी बिजनेस और अपनी राजनीति दोनों को प्रमोट करते हैं। ये तीन अवतार, विक्रम बेताल और ये तीन अवतार। Day after day, prime time after prime time, we've often seen stories on his media houses. They are promoting hatred amongst communities, enmity amongst communities. There's hate mongering going on every day almost. Nafrat ka ek mahol ye apne media houses ke through, English mein jisko ek hawkish attitude batate hain. They promote the agenda of the Modi-led Bharatiya Janata Party and its ideological masters sitting at Nagpur. इनका ये agenda promote करते हुए रोज 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे आप जिस दिन ये channel चला लें आपको वो दिखता है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि अगर आप politics में हैं तो आप व्यापार नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, यू आर फ्री। लेकिन आपका व्यापार फेयर हो, क्लीन हो, ऑनेस्ट हो, अबव बोर्ड हो और आपका आपकी राजनीति आपके व्यापार की सहायता ना कर रही हो और आपका व्यापार आपकी राजनीति की सहायता ना कर रहा हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। राजीव चंद्रशेखर साहब की एक कंपनी है जुपिटर कैपिटल। जुपिटर कैपिटल लगभग $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मैनेज करता है पोर्टफोलियोस, $1 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट फंड है। इसमें डिफेंस रिलेटेड सब्सिडरीज भी हैं। एक उसका नाम मैं बताऊं आपको, एक्सेसेड्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड, AXISCADES, एक्सेसेड्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये उनकी वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो ये कंपनी, इट सेज दैट इट प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस टू एरोस्पेस, डिफेंस, हैवी इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेक्टर्स। दिस इज अ सब्सिडरी ऑफ जुपिटर कैपिटल ओन्ड बाय श्री राजीव चंद्रशेखर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी। अब जुपिटर कैपिटल अलावा इसके कई मीडिया प्रोडक्ट्स भी हैं उनके, एशिया नेट न्यूज, सुवर्णा न्यूज, एक वेब पोर्टल है न्यूज एबल, एक न्यूज़पेपर है कन्नड़ प्रभा और फिर द नेशन वांट्स टू नो तो है रिपब्लिक टीवी। अक्टूबर 2016 में एक वेबसाइट ने लीक्ड ईमेल निकाली थी, एक ऐसी ईमेल जो लीक करी और इस वेबसाइट में आई, जो कि जुपिटर कैपिटल के COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री अमित गुप्ता ने एडिटोरियल हेड्स को भेजी
तमाम जो मीडिया आउटलेट्स हैं जो जुपिटर कैपिटल जिसमें शेयर्स रखता है या कंट्रोल करता है उनके एडिटर हेड्स को भेजी. क्या लिखा था साहब उस ईमेल में? ऑल एडिटोरियल टैलेंट टू बी हायर्ड विथ अ समरी ऑफ बायो टू बी सेंट टू CXO ऑफिस फॉर व्यूज एंड गाइडलाइंस. द कैंडिडेट शुड बी राइट ऑफ सेंटर इन हिज और हर एडिटोरियल टोनैलिटी. देखिए बड़ी मस्त बात है. हम और आप खासतौर पे आप इतनी मेहनत करते हैं, ऊपर क्या हो रहा है ये सब चैनल्स में नहीं, सब पब्लिकेशंस में नहीं, मैं जिनकी बात कर रहा हूं सिर्फ उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं कि राइट ऑफ सेंटर होना चाहिए जो भी आप हायरिंग करते हैं उनको. प्रो इंडिया, सभी प्रो इंडिया हैं, एंटी इंडिया तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी होगा, और क्यों होगा? प्रो मिलिट्री, सब भारत की देश की सेना है, क्यों नहीं होंगे प्रो मिलिट्री? लेकिन ये देखिए कहां किस दिशा में ले जा रहे हैं इसको. अलाइन टू द चेयरमैन आइडियोलॉजी, चेयरमैन कौन है? राजीव चंद्रशेखर. अलाइन टू द चेयरमैन आइडियोलॉजी व्यूज एंड शुड बी अवेयर ऑफ हिज गवर्नेंस रिफॉर्म्स, वेल फेमिलियराइज विथ हिज थॉट्स ऑन नेशनलिज्म एंड गवर्नेंस. आप देखिए इनके चैनल्स एक अलग ब्रांड का नेशनलिज्म प्रमोट करने की चेष्टा करते हैं. वो ऐसा नेशनलिज्म है जो काफी हद तक एक आबादी को उससे बाहर रखना पसंद करता है, हॉकिश जिसको हम पहले भी बोल चुके हैं. बाद में ऑफकोर्स ये मेल उन्होंने कहा कि ये तो कोई किसी ने बग कर दिया, कोई हैक हो गया, वो सब होता रहता है. मई 2017 में राजीव चंद्रशेखर जी फंस गए. एक ऐसी फेक पोस्ट को रीट्वीट किया जिसमें ये लिखा था, गलत खबर थी, कि एक एम्बुलेंस पे कन्नूर में CPIM के मेंबर्स ने हमला किया. बाद में सत्य मालूम पड़ा कि वो खबर गलत थी, उल्टा था. RSS के मेंबर्स ने वो कन्नूर में उस एम्बुलेंस पे हमला किया था. तुरंत इन्होंने उस रीट्वीट को अंडू किया, विड्रॉ किया, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं इशू की और पुलिस में रिपोर्ट कंप्लेंट हो गई. जब पुलिस में कंप्लेंट हुई तो इनका एक ट्वीट आता है, अम्यूज्ड बाय द लेफ्ट गवर्नमेंट्स कंटिन्यूड अटेम्प्ट्स टू इंटिमिडेट मी. मैंने अगर कुछ गलत किया है, मेरे खिलाफ अगर पुलिस में कोई कंप्लेंट होती है तो इंटिमिडेशन तो नहीं कहलाएगा. आपके रीट्वीट तो सबने देखे हैं, हो ही रहे थे. चलिए छोटी बात है, बड़े लोग हैं. 2007 में जुपिटर कैपिटल की एक सब्सिडरी को हासन, जो कि श्री देवगौड़ा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनकी उनका पैतृक स्थान है, HD देवगौड़ा भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी, वहां एक एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट इनको 2007 में मिला. राज्य सरकार BJP और JDS की थी उस वक्त कंबाइन. 18 महीने में यह कंप्लीट होना था, 2007-2018. 536 एकड़ जमीन इस प्रोजेक्ट को दी गई, ₹1100 पर एकड़ पर ईयर. ये देखिए आपको मैं फिर एक और उदाहरण दे रहा हूं, जब आपके तीन अवतार होते हैं तो आप कुछ भी संभव है आपके लिए. लेकिन हां, एयरपोर्ट अभी तक नहीं बना, इट इज नॉट येट कंप्लीटेड. और जब ये डील फाइनलाइज हो रही थी तो वो एजेंसी जो इस प्रोजेक्ट को ओवरसी करती थी, इट वॉज बींग हेडेड बाय श्री रेवन्ना, जो कि माननीय श्री देवेगौड़ा के सुपुत्र हैं, रेवन्ना साहब. चलिए वो भी कोई संयोग होता है, देर आर ऑलवेज कोइंसिडेंसेस इन लाइफ. राजीव चंद्रशेखर जी के लैंड एनक्रोचमेंट के भी किस्से चर्चा में आते ही रहे हैं. उनके कुछ वो है, रिजॉर्ट है, उनकी पत्नी जिसमें डायरेक्टर हैं, वो लेक के लैंड को एनक्रोच किया, उसमें चर्चा भी हुई, एक्शन भी हुआ. राजीव चंद्रशेखर जी ने फिर केरला की सरकार के खिलाफ ट्वीट किए, जैसे कि सरकार गलत कर रही थी, एनक्रोचमेंट उनका जन्मसिद्ध अधिकार था. और भी उदाहरण हैं कि जो कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन को जो जमीन कर्नाटक में अलॉट हुई थी वो अचानक रियल एस्टेट वालों के पास चली जाती है. उसके सारे डिटेल्स हम आपको प्रेस रिलीज में दे रहे हैं. उसमें तो एंटी करप्शन में कार्रवाई भी चल रही है. अब इसमें आप मेरी सहायता करिए कि इसमें विक्रम कौन है और बेताल कौन है इन दोनों में. उसमें मैं बड़ा कंफ्यूज रहा, 2-3 घंटे सोचा, प्रणव भाई से भी बात की, बोले मैं को भी नहीं समझ में आ रहा इसमें विक्रम कौन है बेताल कौन है. चलिए उसको बेताल मान लेते हैं. तो अभी कुछ दिनों पहले एक FIR हुई अंडर सेक्शन 306 ऑफ IPC, श्री अर्णब गोस्वामी नाम
नामक व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर की श्रीमती अक्षता अन्वय नायक ने, जिनके पति श्री अन्वय नायक ने आत्महत्या कर ली, इंटीरियर डिजाइनर थे, आत्महत्या के वक्त उन्होंने एक नोट छोड़ा, इट्स कॉल्ड अ सुसाइड नोट। इन द सुसाइड नोट मिस्टर अन्वय नायक मेंशंस द नेम ऑफ श्री अर्नब गोस्वामी एंड अदर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। साहब, द नेशन वॉन्ट्स टू नो व्हाट हैज द महाराष्ट्र पुलिस डन। ये एफआईआर अलीबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई। अ सुसाइड नोट इज एज क्रूशियल एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। आज तक महाराष्ट्र पुलिस ने क्या कार्रवाई की, हम ये जानना चाहते हैं। क्या अन्वय नायक एक हिंदुस्तानी नागरिक नहीं था? क्या उसकी जान की कीमत अर्नब गोस्वामी जी के पद और श्री राजीव चंद्रशेखर की का रसूख से कम है? इज द लॉ नॉट सेम फॉर एवरीवन इन दिस कंट्री अंडर मिस्टर मोदी? आज तक श्री अर्नब गोस्वामी बिना एंटीसिपेटरी बेल लिए क्यों बाहर घूम रहे हैं? क्यों उनको इतना समय दिया जा रहा है? क्या पुलिस ने कार्रवाई की है? द नेशन वॉन्ट्स टू नो, हम ये जानना चाहते हैं। आप दिन प्रतिदिन सरकार को छोड़कर पूरे देश को कटघरे में कड़ा करते हैं, सरकार को बचाकर सबसे प्रश्न पूछते हैं। आज प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आज प्रश्न महाराष्ट्र पुलिस से पूछा जा रहा है। आज इस रिश्ते को एक्सपोज होते हुए हम सब देख रहे हैं, जो इस सरकार, इस पार्टी और श्री अर्नब गोस्वामी और श्री राजीव चंद्रशेखर का रिश्ता है। अब हम नहीं पूछ रहे ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमें मालूम है ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, हम ये भी जानना चाहते हैं। क्या एक्सिकेड्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड के कुछ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं पिछले 3-4 सालों में? यदि हां, बताया जाए क्या कॉन्ट्रैक्ट मिले एक्सिकेड्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, जो कि एक सब्सिडियरी है जुपिटर कैपिटल की, जो कि इज ओन्ड बाय श्री राजीव चंद्रशेखर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी श्री राजीव चंद्रशेखर, हु हैज बीन ऑन द कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ डिफेंस। वी वॉन्ट टू नो, इज द हॉकिश स्टैंड अडॉप्टेड बाय द मीडिया हाउसेज ओन्ड बाय श्री राजीव चंद्रशेखर नॉट मेंट टू फर्दर हिज बिजनेस इंटरेस्ट, द बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ द डिफेंस कंपनीज ओन्ड बाय हिम? ये जो आपका रवैया है, जो आप एक अवतार, जो आपका मीडिया हाउस का अवतार है, उस अवतार के में जो आप भ्रकटी तान कर देश को एग्रेसिव आप एक कहानियां सुनाते हैं सुबह से शाम तक, क्या ये एग्रेसिव स्टैंड आपका आर्टिफिशियल तो नहीं है? अपनी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए तो नहीं है? क्या आप एज अ मीडिया हाउस, पत्रकारिता के एक कोड ऑफ एथिक्स होता है, आप युवा पत्रकारों को उस कोड ऑफ एथिक्स को त्यागने को प्रेरित करते हैं? आप उनको तभी नौकरी देंगे जब वो राइट ऑफ सेंटर बात करेंगे, जब वो आपके एग्रेसिव हॉकिश लाइन को फॉलो करेंगे, जब वो आपके और आपकी सरकार के और आपके चहेते आरएसएस के एजेंडा को पुश करेंगे? क्या ये स्वस्थ राजनीति है? इज इट अ हेल्दी पॉलिटिकल प्रैक्टिस टू अलाउ पॉलिटिशियंस टू यूज देयर ऑफिस टू पुश देयर बिजनेस इंटरेस्ट? आप बताइए, क्या यह स्वस्थ राजनीति है? आप ये प्रश्न सबसे पूछते हैं 9 बजे रात को, हम आपसे पूछते हैं, आपके मालिकों से पूछते हैं रिपब्लिक टीवी के, कि आपकी बिजनेस और आपकी राजनीति के रिश्ते इतने गुत्थम गुत्था हो चुके हैं, क्या यह स्वस्थ राजनीति है? बताइए। और हम फिर एक बार पूछते हैं महाराष्ट्र पुलिस से, आपने उस सुसाइड नोट पर क्या एक्शन लिया उन तमाम लोगों के विरुद्ध जिनका नाम उस सुसाइड नोट में है? क्या आप डरते हैं? क्या आप बचाना चाहते हैं? क्या ये कोई क्विड प्रो को है कि रोज रात को 9 बजे वो आपकी रक्षा में खड़े हो और जब वो मुसीबत में आए तो आप उसकी रक्षा में खड़े हो?